हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नो राजस्थान को एंड दबाए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे अप्रैल 2019 में आप जो राजस्थान की जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज के ऑनलाइन फॉर्म्स निकल रखे हैं तो उन सभी के बारे में अपन जानेंगे कि किस किस के अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है, किसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म्स निकल रखे हैं और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या लास्ट डेट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं डिटेल्स के साथ। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स लेट्स बिगेन। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अप्रैल 2019 के अंदर आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, जिसके अंदर आपका सबसे फर्स्ट फॉर्म आ रहा है ईएसआईसी जयपुर राजस्थान के अंदर, जो राज्य कर्मचारी बीमा आयोग है उसके अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है आपकी स्टेनोग्राफर एंड यूडीसी की। एंड इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है 48 पोस्ट है, जिसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आपकी जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसके लिए आप 12th पास होना चाहिए। एंड जो यूडीसी की पोस्ट है अपर डिविजनल क्लर्क, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर किसी भी प्रकार की बीटेक या बीसी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही में आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, इस प्रकार जैसे कंप्यूटर की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं और इसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 15 अप्रैल 2019, ठीक है। तो ये निकल रखी है आपकी ईएसआईसी जयपुर के अंदर, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप जो अपना डिटेल में वीडियो बना रखा है उसको भी आप सभी देख सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपकी सेकेंड वैकेंसी निकल रखी है जोधपुर एम्स के अंदर, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है, जिसके अंदर आपकी स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, योगा इंस्ट्रक्टर एंड इस प्रकार की काफ़ी सारी पोस्ट निकल रखी है। 18 प्रकार की इसमें वैकेंसी निकल रखी है जोधपुर एम्स के अंदर, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान जोधपुर एम्स ही रहने वाला है। एंड जो ईएसआईसी है इसमें भी आपकी जॉब लोकेशन राजस्थान जयपुर ही रहने वाली है। एंड जो जोधपुर एम्स के अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसी निकल रखी है 110 पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो जिसमें स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, तो इस प्रकार की पोस्ट है जिसमें 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और भी इसमें जो डिग्री कोर्सेस है जो योगा इंस्ट्रक्टर की है, तो इस प्रकार की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल में भी मैं वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ और इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 23 अप्रैल 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपकी वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है, जो आरआरसी के अंदर वैकेंसी निकल रखी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंदर। टोटल आपकी वैकेंसी है 1,03,769 पोस्ट है, ठीक है। तो जिसके अंदर अपने जो राजस्थान के अंदर टोटल पोस्ट है 4,885, ठीक है। जो अपना आरआरबी जो आरआरसी जयपुर है उसके अंदर 4,885 पोस्ट है। और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए या फिर आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड जिन्होंने सिर्फ 10वीं पास है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। और इसके जो लास्ट डेट है आपकी 12 अप्रैल 2019, ठीक है। एंड जो अगर आप जो राजस्थान आरआरसी जयपुर से फॉर्म भरते हैं तो आपकी जॉब लोकेशन राजस्थान में ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेलवे ग्रुप डी की। एंड उसके बाद जो अपन फोर्थ नंबर पे देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल के अंदर, ठीक है, जो 12वीं पास वैकेंसी है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी एलडीसी, एमटीएस, पोस्टमैन एंड जो पोस्टिंग असिस्टेंट रहता है पोस्टल असिस्टेंट, तो इस प्रकार की जो 4000 के समथिंग ये वैकेंसी निकल रखी है एसएससी के अंदर, जिसके अंदर आप जो 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आज या 5 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, 5 अप्रैल 2019 को। एंड उसके बाद जो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी तो नहीं है आपका, ये गवर्नमेंट का फॉर्म है जो वेटरनरी डॉक्टर का कोर्स होता है उसका ये फॉर्म है, ठीक है, जिसको अपन RVPT बोलते हैं, जिसको राजस्थान वेटनरी प्री टेस्ट 2019। तो अगर आप जो 12वीं पास है, जो अगर आपने जो बायोलॉजी के अंदर आपने जो कर रखा है 12th पास है या 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो आप जो वेटनरी डॉक्टर के लिए जो
एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट 12वीं पास हो चुके हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो BSTC एग्ज़ाम 2019 है तो ये भी टीचर का कोर्स रहता है, तो इसके लिए जो 12वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो 12वीं का जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 8 अप्रैल 2019, ठीक है, 8 अप्रैल 2019 तक आप इसके लिए फ़ीस जमा करवा सकते हैं। जो अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी है तो आप जो 10 अप्रैल 2019 तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये BSTC का फॉर्म हो गया। एंड उसके बाद जो 7 नंबर पर आपकी वैकेंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर की, और इसके जो आपके टोटल फॉर्म है टोटल वैकेंसी है आपकी 2000। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 22 अप्रैल 2019, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपके नंबर पे जो कोर्स है PTET का, जो राजस्थान के अंदर अगर आप BEd करना चाहते हैं तो BEd का ये टीचर कोर्स है, तो इसके लिए आप 12वीं पास है तो 12वीं पास वालों के लिए 4 साल का कोर्स है, एंड जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए 2 साल का कोर्स है। और इसका जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 6 अप्रैल 2019, ठीक है। तो मैंने आपको अप्रैल के अंदर भरे जाने वाले 8 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स के बारे में बताया है, तो आप सभी देख लीजिएगा के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, जो ESIC जयपुर के अंदर वैकेंसी निकल रखी है, जोधपुर एम्स के अंदर वैकेंसी निकल रखी है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर निकल रखी है, SSC CHSL के अंदर है। अगर आप नॉर्थ जोन से अप्लाई करते हैं तो आपको राजस्थान के अंदर जॉब लोकेशन रहने की संभावना है। और जो ये 3 कोर्स है तो इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। SBI PO की वैकेंसी है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे सीट है जो राजस्थान के अंदर आ रखी है, ठीक दोस्तों। तो ये जानकारी आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।